हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपसे एक ऐसे डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसको अगर आप ज़्यादातर बेकरी से खरीद करके खाते हैं, मगर इसको घर में बनाना बहुत ईजी है। जो डिज़र्ट मैंने बनाया है, इसमें बहुत कुछ खास इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है और बनाने में बहुत ही इजी है। और अगर आप लोगों को क्रीम ना मिले तो आप क्रीम की जगह क्या सब्स्टिट्यूट यूज़ करके इसको बना सकते हैं, तो ये आप रेसिपी में देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है और आप लोग उसको ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इन चीज़ केक जार्स बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे हम बेस। तो यहाँ पर मैंने ब्रिटानिया के मैरी गोल्ड बिस्किट यूज़ करे हैं। आप चाहे तो आपको जो बिस्किट्स पसंद हो आप वो बिस्किट्स को यूज़ कर सकते हैं। उनको मिक्सी में मैंने कर लिया है ब्लेंड, तो बस ये हो गए इस पाउडर फॉर्म में। और फिर इसमें मैंने ऐड करा है बटर। बटर को मैंने थोड़ा माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था और अब इसको बिस्किट्स में अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस अब यहाँ पर मैंने लिए हैं ये जार्स, उसके बेस में मैं इन बिस्किट्स को डाल दूँगी। आपको जितना बेस चाहिए हो आप उतना बिस्किट्स की लेयर लगा लीजिएगा और उसको अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको प्रेस कर दिया है। इस तरीके से मैंने अपने सारे जार्स में बेस रेडी कर लिया है और अब इसको मैं जो है ढक्कन लगा करके इसको फ्रिज में रख दूँगी। इस तरीके से हमारा बेस रेडी हो गया। तो अब हम बनाते हैं फिलिंग। फिलिंग के लिए यहाँ पे मैंने लिया है क्रीम चीज़। एग्जैक्ट मेज़रमेंट्स जो है वो मैंने आगे वीडियो में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर के नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब इस क्रीम चीज़ को मैंने विस्क कर लिया है जिससे कि क्रीम चीज़ काफ़ी लाइट हो जाएगी। और जब ये अच्छे से विस्क हो जाए तो अब इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर्ड शुगर। पाउडर शुगर बनाने के लिए शुगर को मैंने मिक्सी में ब्लेंड कर दिया था और बस इसको क्रीम चीज़ के मिक्सचर में हम ऐड कर देंगे। शुगर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप उस हिसाब से शुगर ज़्यादा यूज़ करिए। अब देखिए हम अब शक्कर अच्छे से मिक्स हो गई है, तो अब बारी आती है हमारी वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, क्योंकि अब इस पॉइंट पे हम मिलाते हैं यहाँ पे इसमें क्रीम। बट अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल ना हो तो उसकी जगह मैंने यूज़ करे हैं। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे मैं जो एवरी डे जो रेसिपीज डालती हूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्रीम की जगह हम मैंने क्या यूज़ करा है, तो क्रीम की जगह यहाँ पे मैंने यूज़ करे हैं काजू। काजू को मैं बस आप रेसिपी के पहले ही गर्म पानी में सोक कर दीजिएगा हाफ एन आवर के लिए। उसके बाद इसको ब्लेंडर में डाल करके इसमें डाला है मैंने मिल्क। मिल्क डाल करके इसको अच्छे से हम मिक्सी में चला देंगे तो बिल्कुल आपकी क्रीम बन करके रेडी हो जाएगी। बस देखिए बिल्कुल बढ़िया इसकी टेक्सचर आया है, तो इसको बनाना भी बहुत इजी है। बस इसको अब हमारे क्रीम चीज़ वाले मिक्सचर में हम ऐड कर देंगे। फिर इसको मैंने विस्क कर दिया है। अब ये जो है हमारे क्रीम चीज़ में ये मेरी जो होममेड क्रीम है ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। हमारी जो चीज़ केक जार्स हैं उनकी जो सेकंड लेयर बन करके रेडी हो जाएगी। तो अब हम फ्रिज से इन जार्स को निकाल लेंगे, तो हमारी बिस्किट की लेयर बिल्कुल सेट हो गई है। तो अब ये जो क्रीम चीज़ का मिक्सचर बना करके रेडी करा था उसको इसमें पोर कर देंगे और अब इनको सारे जार्स में डाल करके इसको फिर से ढक्कन लगा करके हम फ्रीज़र में रख देंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने सारे जार्स रेडी कर लिए हैं। अगर आप पार्टी कर रहे हैं तो इन डेज़र्ट को बना करके आप फ्रिज में पहले से प्रिपेयर करके रख लीजिए। इजी और बहुत ही टेस्टी डेज़र्ट है, आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। तो अब इन जार्स की दोनों लेयर रेडी हो गई हैं, तो इनको हम फिर से कवर करके फ्रिज में रख दें। तो अब हम बनाते हैं इन चीज़ केक्स की टॉपिंग्स के लिए मैंने यूज़ करे हैं ब्लूबेरीज। तो इन ब्लूबेरीज को मैंने डाल दिया है पैन पर और गैस का फ्लेम मैंने स्लो रखा है और अब इसमें शुगर डाल करके
इसको धीरे धीरे हिलाते जाएंगे जिससे कि ये शुगर मेल्ट हो जाएगी और ये ब्लूबेरीज इसमें अच्छे से पक जाएंगी। आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, तो ये आपकी जो सॉस बन करके रेडी होगी वो थोड़ी थिक रहेगी, बट मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर नहीं यूज़ करा है, जस्ट सिंपल रखा है, ब्लूबेरीज और शुगर मिला करके इसकी सॉस रेडी करी है। बस देखिए ये हमारी ब्लूबेरीज जो हैं इस शुगर में अच्छे से पक गई हैं, तो अब इस पोजीशन पे इसमें थोड़ा सा आप लेमन जूस डाल दीजिए, उससे जो हमारे ब्लूबेरी सॉस का जो टेस्ट है वो और एनहांस हो जाता है। तो बस देखिए हमारी सॉस बन करके रेडी हो गई है, तो अब गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और इस सॉस को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया और टेस्टी सी हमारी डिलीशियस सी सॉस लग रही है, जिसको बनाना घर में बहुत ही इजी है। तो अब फ्रिज से मैंने अपने जार्स निकाल लिए, देखिए हमारे दोनों लेयर बहुत अच्छे से सेट हो गई हैं, तो बस अब हम इसमें टॉपिंग ऐड करते हैं। बस अब ये हमारी जो मैंने ब्लूबेरी सॉस बन कर के रेडी हुई थी इसको अब इसके ऊपर पोर कर देंगे। तो है ना बहुत ही इजी डिज़र्ट, तो आप इस इजी से डिज़र्ट को ट्राई करिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करिएगा। फिर मैं आपसे मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।